उजियारे के पर्व दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन असमंजस है कि दिवाली कब मनाना है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिवाली मनाए जाने को लेकर जो असमंजस है, उस पर हम आज विप्रजन से बात करेंगे। मेरे साथ कुछ पंडित हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा धनतेरस और बाकी जो पर्व आने वाले हैं उसको लेकर भी बात करेंगे। जो असमंजस है दिवाली मनाने को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप, क्यों ये असमंजस हुआ और जो शास्त्रों के अनुसार किस तरह से इसका निराकरण किया जा रहा है? मेरा नाम पंडित तुषार दवे है। शास्त्रों में कहा गया है कि दीप उत्सव प्रदोष काल से लेकर के मध्य रात्रि का उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार 31 तारीख और 1 तारीख को लेकर के तिथि के अंदर बहुत असमंजस है, उसको लेकर के ऐसा कहा गया है पुराणों में और कुछ जगह पर कि अगर सूर्य अस्त के पूर्व दीपावली अमावस्या का स्पर्श हो रहा हो, जैसे जिन स्थानों पर 6:19 के पश्चात सूर्य अस्त हो रहा है, वहाँ पर 1 तारीख को दीपावली मनाना उचित है। किंतु मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ में, जिसमें खंडवा में 5:47 पर सूर्य अस्त है, और इसके लिए हमें हमारे स्थान पर 31 तारीख को दीपावली मनाना उचित है, क्योंकि दीप उत्सव प्रदोष काल में विशेष रूप से गोधूली में मनाया जाता है, और इसके अंदर स्थिर लग्न जो 4 है हमारे, उन 4 लग्नों में पूजन प्रधानता गई है, जिसमें सिंह लग्न विशेष रूप से मनाया गया है, और मध्य रात्रि में 1:12 पर 31 तारीख को सिंह लग्न लग रहा है, जो पूजन के लिए विशेष कहा गया है। बिल्कुल, इससे पहले धनतेरस भी आ रहा है, तो धनतेरस को लेकर क्या कुछ विशेषताएं होती है और क्या कुछ किया जाना चाहिए? जैसे कि मान्यता है दीपावली के ठीक 2 पूर्व धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इसमें भगवान धन्वंतरी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि धन्वंतरी देवता औषधियों के देवता है। इसमें मेडिकल से लेकर के सोना चांदी धातु जिस प्रकार की होती है, इनका खरीदी विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि धन के अधिष्ठाता देवता भगवान कुबेर जी है। इसलिए विशेष रूप से कुबेर पूजन किया जाता है, क्योंकि कुबेर देवता एक स्थिर देवता है। इनके निमित्त हम धातु सोना चांदी स्वर्ण से लेकर के अन्य चीज़ जो उपकरण आप बाइक मोटरसाइकिल वगैरह इस प्रकार की सभी चीज़ें स्थिर रूप से खरीदने का प्रयास करते हैं, जिससे भगवान धन के कुबेर देवता की हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे। बिल्कुल, धनतेरस के बाद रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी भी होती है, उसका क्या महत्व है और क्या किया जाना चाहिए? नरक चतुर्दशी में जो हैं वो उस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान का महत्व विशेष बताया गया है, जो कि आंतरिक रूप से बाह्य रूप से जो वर्ष पर्यंत जो शरीर के अंदर पाप समाहित रहते हैं, वह इस सूर्योदय पूर्व स्नान से नरक चतुर्दशी जो कि 30 तारीख को मनाया जाएगा धनतेरस के दूसरे दिन, वो उन पापों का क्षय होता है, इसलिए नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। बिल्कुल, अगर बात करें दीपावली की, तो चाहे पुष्य नक्षत्र हो या फिर धनतेरस से लेकर दिवाली तक कुछ न कुछ खरीदने को शुभ माना जाता है, क्योंकि सोना और चांदी के जो दाम है वो अत्यधिक बढ़ गए हैं, तो क्या कुछ ऐसा है जो आम जनता के बजट में भी आ जाए और वो उनका जो मुहूर्त है या शुभ जो मानकर वो खरीदी करते हैं वो भी खरीद लें? इसमें हम जैसे सोना चांदी महंगा हो गया है, तो इसमें हम धातु दूसरी जो है तांबा है पीतल है काशा है, या हमारे घर के उपकरणों में जो भी हम भाई फ्रिज है या घर की जो भी वस्तु है जो घर में हम रख सकें, इसको भी हम एक धन का संचय ही कहेंगे जो हमारे उपयोग में आती है, तो हम ये चीज़ों को भी आप ले सकते हैं। कितना शुभ होता है इन दिनों में खरीदारी के लिए? इन दिनों में ये शुभ मुहूर्त रहते हैं, इसमें जो भी हम लेते हैं वो क्षय नहीं होता है, इसलिए सोना चांदी का जो हम खरीदी करते हैं तो वो हमारे यहाँ स्थिर रहती है, इसीलिए सोना चांदी का विशेष महत्व। तो अब महंगाई होने के कारण हम इसको तांबा पीतल, पहले तांबा पीतल का भी आज पुराने घरों में आप देखेंगे तो तांबे पीतल काशे इनके बर्तन हुआ करते थे, वो काफ़ी समय उनमें भोजन भी करते थे, तो ये हमारे उपयोग की एक वस्तु हो जाती है। बिल्कुल, तो ये जो विद्वत जन हैं और विप्र जन हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो असमंजस है वो दूर किया जा सकता है और किस तरह से इन शुभ मुहूर्त में खरीदारी की जा सकती है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा।